माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे अधिवक्ता गणों ने चिंता जाहिर की और मैं चाहूंगा जो हमारे माननीय अधिवक्ता हैं फारूक भाई वो डिटेल में आपको कोर्ट के सामने जो चिंता है जो हमारे अधिवक्ताओं ने आज कहा वो आपको डिटेल में बता दें। जी देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस बात का हमने ध्यान आकर्षित कराया कोर्ट के समक्ष, जो इंस्पेक्शन करना है अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं, चार्जशीट पीसी के साथ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट जिसपे ईडी अपने चार्जशीट के समर्थन पे उस पर मुकदमे में रिलाई करती है, और एक लिस्ट, एक कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि आप जिन डॉक्यूमेंटों को आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठा किया है अगर आप उस पर रिलाई नहीं भी कर रहे तो उसकी एक लिस्ट जो है वो सारे एक्यूज लोगों को देनी होती है, और एक्यूज को ये राइट है उन डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करने का। बड़े अफसोस की बात है कि वो सेक्शन 50 के बयान जो 164 के बयान के पराधि में आते हैं और गलत बोलने पे उस पर कानून में सजा है, और जो ईडी ने रिकॉर्ड किए बहुत लोगों के खिलाफ, और आप सब लोग जानते हैं कि उन्हीं बयानों के आधार पर लोगों को मुजरिम बनाया गया जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, 20,000 पन्ने वो डॉक्यूमेंट ईडी जो है वो अनरिलाइड में लगाती है, और जब हम उसकी इंस्पेक्शन बहुत मर्जी के मशक्कत करके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के हम लोग उसको अलाउ करवाते हैं, कोर्ट हमें आदेश देता है हम जाते हैं, तो जो हमारे कलीग्स वहां इंस्पेक्शन करने जाते हैं वहां डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे ईडी दफ्तर के बाहर इस धूप में बैठा रहे हैं वहां। तो अधिवक्ताओं का ये जो तिरस्कार हो रहा था और जो साथ में जो एक्यूज्ड के राइट का हनन हो रहा था उसको हम कोर्ट के संज्ञान में ले आए कि हम लोग मेल लिख रहे हैं, ये ईडी उसकी मेल का जवाब नहीं दे रही है, क्या ये कानून से बड़े हैं, क्या ये कोर्ट से ऊपर है? कोर्ट ने उनको आदेश दिया है आज कि आप हर मेल का आपको रिप्लाई लिखना पड़ेगा, कि आज आना है तो भी लिखना है, नहीं आना है तो भी लिखना है। तो इस तरह की बहुत मतलब ओछी और छोटी हरकतें मैं कहूंगा। देखिए, मुकदमा लड़ने की एक गरिमा होती है, मुकदमे में एक्यूज को अपने राइट है, प्रोसिक्यूशन को अपने राइट है, पर एक इतनी सशक्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि जिसके पास पावर का अंबार है उसको ऐसी छोटी और बचकाना हरकतें नहीं करनी चाहिए। कोर्ट के संज्ञान में यह लाया गया, कोर्ट ने उसको नोट किया। और जैसे एक और चीज है कि जब भी कोई हम लोग कोई भी आवेदन फाइल करते हैं तो उसकी कॉपी हम लोग ईडी को एडवांस में देते हैं, हर मुकदमे में दूसरे पक्ष को एक कॉपी दी जाती, ईडी कॉपी नहीं देती। हमने कोर्ट के संज्ञान में ये भी ला के भाई ये देती नहीं है, अगर नहीं देंगे तो बहस कैसे होगी, फिर कहेंगे हम ट्रायल में डिले कर रहे हैं। आज जब एक आप कोई आप कंप्लाइंट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं आ रहे हैं तो आप ये आपका ये दायित्व है कि आप वो एक कॉपी पहले हम लोगों को दे, डिफेंस को, वो देते ही नहीं। फिर आज उस पर भी कोर्ट ने कहा कि हम आदेश करेंगे कि आपको सारी कॉपियां पहले से दें। तो इस तरह की इनकी हरकतें, मुकदमा में कुछ है नहीं, इन्हें भी खूब पता है, इस तरह की यहां वहां दाएं बाएं की चीजें करते रहते हैं, ये है। और बाकी इनके ये हम लोग इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं और ये कोर्ट भी एक्सपेक्ट करती है और ये प्रोसीजर लॉ भी ये एक्सपेक्ट करता है कि जो गरिमा है, जो हमारी न्याय व्यवस्था की जो सिस्टम है, जो एक प्रोटोकॉल है, जो डिफेंस को फॉलो करना है वो डिफेंस फॉलो कर रहा है, जो ईडी को फॉलो करना है, ईडी सिर्फ ईडी है या सीबीआई सिर्फ सीबीआई है तो कानून से ऊपर है, ये कानून का सिस्टम नहीं है। यही बात हम लोगों ने बताने की कोशिश की। सर, क्या यही कोर्ट ने कहा है ईडी से कि अब तक कितने दस्तावेजों का इंस्पेक्शन, कितने डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे भी मांगा इसके बारे में? जी, उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल की, उसी पे हमने ऑब्जेक्शन लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि इस एक्यूज ने दो घंटे किया, इसने 50 घंटे किया, वो कॉपी हमारे पास है नहीं। तो अब वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जब तक हमें वो कॉपी नहीं मिलेगी। मान लीजिए उन्होंने मेरे लिए बोला, संजय सिंह जी के लिए बोला कि इन्होंने 50 घंटे किए, हम कह रहे हैं हमने 70 घंटे किए, हमने 20 घंटे किए, तो ये कॉपी जब तक नहीं दोगे जब तक हम बहस करेंगे कैसे? तो आप तो हाथ ही बांध दे रहे हो, फिर कहते हो कि फिर एक एप्लीकेशन लगाते हैं पुराने जज साहब के सामने कि इनको कहिए कोई एप्लीकेशन न लगाए और मुकदमे की कार्रवाई हो, कैसे मुकदमा चलेगा? ये सवाल मैं मतलब ये पूछना होगा ईडी से आप लोगों को भी, मुकदमा चलेगा कैसे, कॉपीज क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर क्या छुपाना है, ऐसा छुपाने वाली क्या चीज है इसमें भी जो छुपाई जा रही है? सर, आपकी तरफ से 20,000 पन्ने, सोचिए 20,000 पन्ने जो